फ्रेंड्स, इंडेमनिटी एंड गारंटी का लास्ट लेक्चर है। इंडेमनिटी यानी इंश्योरेंस कंपनी, गारंटी यानी लोन। ए ने बी को बोला सी को पेमेंट कर दो, ए सियोरिटी, बी क्रेडिटर्स एंड सी है वो प्रिंसिपल डेटर। तो यहाँ पे ए के राइट क्या रहेंगे समझो। सी ने पेमेंट नहीं किया तो ए पेमेंट कर रहा है, तो ए बी से क्या राइट रहेगा, सी से क्या राइट रहेगा, और को स्योरिटी है तो अगेंस्ट को स्योरिटी कौन से राइट रहेंगे वो हमें लर्न करना है, अगेंस्ट क्रेडिटर्स, अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर्स एंड अगेंस्ट को स्योरिटी। स्योरिटी के राइट है सबसे पहले प्रिंसिपल डेटर्स यहाँ पे दिया हुआ है। क्रेडिटर्स के जैसे राइट है वैसे ही राइट सियोरिटी के अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर्स हो जाएंगे, उसको बोलते हैं सबरोगेशन। स्टेप इन द शूज ऑफ द क्रेडिटर्स, ऐसे वर्डिंग आगे आगे आएंगे। सेकंड, राइट ऑफ इंडेमनिटी, जितना सियोरिटी को नुकसान हुआ है वो प्रिंसिपल डेटर्स से ले पाएगा। अगेंस्ट द क्रेडिटर्स, ए बी के अगेंस्ट में, यानी सी ने जो बी को सिक्योरिटी दिया है वो बी ए को वापिस कर देगा, बी है वो ए को वापिस कर देगा, यानी सिक्योरिटी क्रेडिटर से सिक्योरिटी ले लेगा। बैंक है, बी है, सी को मनी पे भी करना है, सी से लेना भी है, तो सामने सामने सेट ऑफ हो सकता है। एंड राइट टू से द रिडक्शन आगे डिटेल में आएगा। अगेंस्ट को सियोरिटी कौन से राइट है, अगेंस्ट को सियोरिटी राइट टू कंट्रीब्यूट, राइट टू कंट्रीब्यूट। ए बी ने साथ में मिलके कुछ, ए और बी ने साथ में मिलके कुछ गारंटी दिया है, पूरा पेमेंट ए ने कर दिया तो बी से उसका शेयर मांग सकता है, बी से उसका शेयर मांग सकता है। लेट मी सी इन डिटेल। राइट अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, सियोरिटी है वो सी के अगेंस्ट में, ए है वो सी के अगेंस्ट में, कौन सा राइट रखता है, सबसे पहले सबरोगेशन। जो डेप्ट है वो प्रिंसिपल डेटर्स ने पे नहीं किया है, डिफॉल्ट किया है, प्रिंसिपल डेटर ने परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, तो सियोरिटी परफॉर्म करेगा, सियोरिटी पेमेंट करेगा। तो जितना पेमेंट करेगा, जितना परफॉर्म करेगा, उतना ए सी के पास से मांग सकता है, एज लाइक क्रेडिटर, एज लाइक बी। ए ने बी को गारंटी दिया था, सी के लिए दिया था, तो ए ने बी को पे कर दिया, तो जैसे बी सी पे स्यू कर सकता है, जो राइट बी के रहते हैं वो राइट ए के हो जाएंगे, उसको बोलते हैं सबरोगेशन। जितना पेमेंट, जितना परफॉर्मेंस सियोरिटी ने किया है, उतना परफॉर्मेंस वो क्रेडिटर्स की तरह, बी की तरह सी से कलेक्ट कर पाएगा, उसको बोलते हैं सियोरिटी। स्टेप्स इनटू शूज ऑफ द क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के जो शूज है उसमें सियोरिटी स्टेप्स यानी पैर डाल देता है। जितने राइट क्रेडिटर्स के हैं उतने राइट सियोरिटी के हो जाएंगे। सेकंड, सियोरिटी का अगेंस्ट प्रिंसिपल लेटर क्या राइट रहेगा, इंडेमनिफाई। जितना नुकसान हुआ है सियोरिटी को वो प्रिंसिपल लेटर पे करेगा, वो इम्प्लाइड है, सियोरिटी रिकवर कर पाएगा। व्हाट इज राइटफुली पेड, सियोरिटी जो राइटफुली पे किया है ना वही प्रिंसिपल लेटर से रिकवर कर पाएगा, रॉन्गफुली पे किया है तो नहीं। कॉस्ट है, इंटरेस्ट है, एक्सपेंस है, डेप्ट है, परफॉर्मेंस है, उसके लिए सियोरिटी ने जो पे किया है, राइटफुली पे किया है, लीगली पे किया है, पे करना था इसीलिए पे किया हुआ है, तो वो प्रिंसिपल लेटर से कलेक्ट कर पाएगा। यहाँ पे बी को पेमेंट करना था, बी प्रिंसिपल लेटर था, ए ने पेमेंट कर दिया, ए सियोरिटी है। जब सी ने ए से मनी मांगा, एट दैट टाइम ए ने डिफेंस किया,
मेरे पास रिजनेबल ग्राउंड है पेमेंट नहीं करने का, इसीलिए कोर्ट में गया और कोर्ट में कुछ वजह हुई और पेमेंट करना पड़ा। तो रिकवर कर पाएगा ये? कितना कर पाएगा? कॉस्ट एंड डेप्ट दोनों कर पाएगा। यहाँ पे रिपीट करो, ए सियोरिटी, बी प्रिंसिपल लेटर एंड सी है वो क्रेडिटर्स। सी ए से मांगने आया, ए ने मना बोला पेमेंट नहीं करने का है, मेरी बात सही वजह है। कोर्ट में गया ए वकील रख के और उसका कॉस्ट बेल किया। ए हार गया लेकिन उसकी वजह तो थी, लेकिन कोई भी सिचुएशन में ए हारा तो वो प्रिंसिपल लेटर से कॉस्ट एंड डेप्ट दोनों रिकवर कर पाएगा। रीजनेबल वर्ड इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे रीजनेबल ग्राउंड है इसीलिए कॉस्ट रिकवर हो पाएगी। अभी देखो सेकंड में, यहाँ पे सेकंड में वही एग्जांपल है, ए सियोरिटी है, बी प्रिंसिपल लेटर है, सी है वो क्रेडिटर है। जब डिफॉल्ट हुआ सी ने ए से मनी मांगा, देखो रीजनेबल ग्राउंड यहाँ पे है, सूट ऑन द रीजनेबल ग्राउंड, तो एट दैट टाइम कॉस्ट एंड दो बोथ कैन बी कलेक्टेड। और यहाँ पे भी रीजनेबल ग्राउंड है और यहाँ डिफेंड द सूट ऑन रीजनेबल ग्राउंड बट कंपेल टू पे, पे तो करना ही पड़ा, तो कॉस्ट एंड प्रिंसिपल दोनों ले पाएंगे। रीजनेबल ग्राउंड है तो कॉस्ट प्रिंसिपल दोनों, रीजनेबल ग्राउंड नहीं है तो ओनली प्रिंसिपल डेप्ट अदर कॉस्ट नहीं। आगे के एग्जांपल में ए ने मना बोला था, रीजनेबल ग्राउंड था इसीलिए मना बोला था, बाद में पे करना पड़ा, तो ए बी से प्रिंसिपल डेप्ट एंड कॉस्ट दोनों मांग पाएगा, लेकिन रीजनेबल ग्राउंड नहीं है तो सिर्फ प्रिंसिपल डेप्ट मांग पाएगा, आप कॉस्ट नहीं मांग पाएंगे। ए ने गारंटी दिया था 2 लाख तक का गारंटी दिया था, इसीलिए सी ने बी को राइट सप्लाई किया। ए सियोरिटी, सी क्रेडिटर्स, बी प्रिंसिपल लेटर, क्रेडिटर सी ने प्रिंसिपल डेटर्स बी को राइट सप्लाई किया और 2 लाख तक का गारंटी दिया था, तो एट दैट टाइम 2 लाख का गारंटी था, राइस तो लेस देन 2 लाख का था, तो जितना राइस था ना उतना ही कलेक्ट कर पाएगा, ए उससे ज्यादा कलेक्ट नहीं कर पाएगा। 2 लाख का गारंटी है उसका मतलब नहीं पूरा 2 लाख ले सकते हैं, प्रिंसिपल डेटर को जितना फायदा हुआ है ना उतना ही सियोरिटी पे करेगा। तो पहला पॉइंट था राइट ऑफ सियोरिटी में अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, फर्स्ट सबरोगेशन, सेकंड आइडेंटिफाई द कॉस्ट, आइडेंटिफाई द लॉस। अभी अगेंस्ट द क्रेडिटर्स सियोरिटी के राइट क्या रहेंगे? अगेंस्ट द क्रेडिटर्स सबसे पहले डेटर ने जो सिक्योरिटी दिया था ना वो सिक्योरिटी क्रेडिटर्स है वो प्रिंसिपल डेटर्स को दे देगा, सिक्योरिटी है वो प्रिंसिपल डेटर्स को दिया जाएगा। सिक्योरिटी को मालूम है या मालूम नहीं है, लेकिन जो सिक्योरिटी मिला हुआ है वो सी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्रेडिटर्स को दे देना, क्रेडिटर्स है वो सिक्योरिटी को दे देना। दूसरी चीज, सिक्योरिटी को मालूम नहीं था या मालूम था तभी भी क्रेडिटर सिक्योरिटी को दे देगा, सिक्योरिटी को पूछा था या पूछे बिना लिया था, कंसेंट था या नहीं वो भी मतलब नहीं है, क्रेडिटर से सिक्योरिटी को पूछे बिना कोई सिक्योरिटी प्रिंसिपल डेटर से लिया है तो वो सिक्योरिटी भी वापिस दे देना पड़ेगा, जो वापिस नहीं देंगे तो सिक्योरिटी अप टू द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। क्रेडिटर्स को प्रिंसिपल डेटर के पास से जो सिक्योरिटी मिला है वो सिक्योरिटी को पूछ के मिला है, सिक्योरिटी को मालूम है या नहीं है वो कुछ देखना नहीं है, क्रेडिटर्स को जो मिला है वो सिक्योरिटी को दे देना है। यहाँ पे सी ने बी को 2 लाख एडवांस दिया था ऑन द गारंटी ऑफ ए, सी क्रेडिटर्स, बी प्रिंसिपल लेटर्स, ए सियोरिटी, फर्दर बाद में सिक्योरिटी भी दिया था, फर्नीचर दिया था, बाद में सी ने वो मॉर्गेज कैंसिल कर दिया, बी है वो प्रिंसिपल लेटर है वो इंस्टॉलमेंट हुआ, तो फर्नीचर जितना वैल्यू ए कम पे करेगा, ए डिस्चार्ज अप टू वैल्यू ऑफ फर्नीचर। क्यों? यहाँ पे बी ने प्रिंसिपल लेटर ने सी को फर्नीचर दिया हुआ था, वो फर्नीचर सी ने वापिस दे दिया,
तो उसके लिए सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी की थी वो कम हुई, तो अप टू वैल्यू ऑफ फर्नीचर ए अप टू वैल्यू ऑफ फर्नीचर सिक्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे सी है वो एक क्रेडिटर्स है, सी ने बी को मनी एडवांस दिया था, अगेंस्ट कोर्ट ऑर्डर दिया था, डिक्री अगेंस्ट कोर्ट ऑर्डर। कोर्ट ऑर्डर में कोर्ट ने बोला था कोई बात नहीं तो इसको मनी दे दे, इसका गुड्स तू रख दे। तो सी ने क्या किया, डिक्री भी लिया और ए का गारंटी भी लिया, बाद में डिक्री एग्जीक्यूट करवाया, अमाउंट ऑफ कोर्ट ऑर्डर अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ द गुड्स तक ए डिस्चार्ज हो जाएगा। ए को एग्जीक्यूशन मालूम नहीं था, ए को डिक्री का मालूम नहीं था, तभी भी जब सी ने बी को गुड सप्लाई किया था अंडर द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री हुआ था, तो वैल्यू ऑफ गुड्स तक ए डिस्चार्ज हो जाएगा। अभी ए ने बी के साथ रह करके एज ए सियोरिटी फॉर बी किया है जॉइंटली विथ बी टू सी। ए ने एक बार सी को बोला बी पेमेंट नहीं करेगा तो मैं पेमेंट कर दूंगा, एंड सी ने फर्दर सिक्योरिटी बी से मांगा था। सी ने बी से फर्दर सिक्योरिटी लिया जब ए ने गारंटी दिया था, तब तो नहीं बाद में भी सी ने बी से फर्दर सिक्योरिटी लिया, वो गिव अप कर दिया, वापिस दे दिया, तो ए डिस्चार्ज नहीं होगा। क्यों, यहाँ पे इंपोर्टेंट वर्ड आफ्टर वर्ड है। जब कॉन्टेक्ट हुआ था तब सिक्योरिटी नहीं लिया था, तब तो ए ने वैसे ही गारंटी दे दिया था, बाद में सिक्योरिटी लिया वापिस नहीं दिया होता तो भी ए डिस्चार्ज हो जाता, वापिस नहीं दिया होता तो डिस्चार्ज हो जाता, गारंटी से पहले लिया होता एंड वापिस दिया होता तो भी डिस्चार्ज हो जाता, गारंटी के बाद दिया है एंड वापिस दे दिया है। आज गारंटी दिया कल फर्नीचर लिया परसों वापिस दे दिया, तो गारंटी वैलिड रहेगी, ए डिस्चार्ज नहीं होता है। ए डिस्चार्ज कब होगा, गारंटी से पहले सिक्योरिटी लिया होता और वापिस दे दिया होता तो ए डिस्चार्ज हो जाता। अगेन सिक्योरिटी है वो क्रेडिटर्स सिक्योरिटी को दे देगा, क्रेडिटर्स डेटर से 2 लाख मांग रहा है और 1 लाख देने का है, तो नेट ऑफ करके 1 लाख ही लेना है, तो राइट टू सेट ऑफ जो क्रेडिटर्स के पास है वो सिक्योरिटी के पास भी रहेगा, सिक्योरिटी को वो सेट ऑफ का बेनिफिट मिलेगा, क्रेडिटर्स डेटर्स से जितना मांग रहा है जितना पेमेंट करने का है वो नेट ऑफ करके ही सिक्योरिटी पे करेगा, रिडक्शन इन केस ऑफ इंसॉल्वेंट होगा। हमने देखा था सिक्योरिटी का राइट अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर था, सबोगेशन था, वो आइडेंटिफाई था, अगेंस्ट द क्रेडिटर्स सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी क्रेडिटर्स है वो सिक्योरिटी को दे देगा, एंड सेकंड हमने देखा था पॉइंट अगेंस्ट सिक्योरिटी के बाद अगेंस्ट सेट ऑफ, जो चीज क्रेडिटर्स प्रिंसिपल डेटर से मांग रहा था और जो पे करना था वो नेट ऑफ करना था, एंड थर्ड पॉइंट है वो रिडक्शन का है, वो इंसॉल्वेंसी में आएगा। जब प्रिंसिपल डेटर इंसॉल्वेंट हो जाता है तब तो प्रोपोर्शनेट राइट, जितना असेट है जितना लायबिलिटी है उसका जो रेशियो है उस रेशियो तक ही सियोरिटी पे करेगा, सियोरिटी रिसीव करेगा फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर। इंसॉल्वेंसी के बाद आपको मालूम है ऑफिसर असाइन अपॉइंट होता है, इंसॉल्वेंट की सब असेट बेचता है, प्रोपोर्शनेट लायबिलिटी पे करता है, तो यहाँ पे सीओटी को भी प्रोपोर्शनेट अमाउंट ही मिलेगा, क्लेम द कंपेंसेशन क्लेम द प्रोपोर्शनेट रिडक्शन इन लायबिलिटी वही अमाउंट क्रेडिटर्स है वो सीओटी को पे करेगा, तो यहाँ पे राइट है तो रिडक्शन ऑफ द प्रोपोर्शनेट लायबिलिटी। एंड लास्ट है अगेंस्ट द को सीओटी, दो से ज्यादा बंदों ने साथ में मिलकर कुछ गारंटी दिया है तो इक्वली हर एक का लायबिलिटी रहता है, कुछ रेशियो नहीं बोला है तो इक्वली इच को सियोरिटी लायबल रहेगा, इक्वल सेल ऑफ द होल डेप, इक्वल सेल ऑफ द होल डेप। एबीसी है 3 लाख का गारंटी दिया था, हर एक बंदा 1 लाख के लायबल है, एबीसी है कॉन्ट्रैक्ट में बोल दिया था 1/4, 1/4 एंड 1/2, तो 25, 25 एंड 50,000, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बोला है तो इक्वली, कॉन्ट्रैक्ट में बोला है तो जो रेशियो बोला है वो
आपने अमाउंट भी बोला है मैक्सिमम, इक्वली है विथ अमाउंट है, लेट मी सी डिफरेंट सम बोल दिया है, तो इक्वल कंट्रीब्यूशन आएगा मैक्सिमम अप टू अमाउंट, मैक्सिमम अप टू लिमिट गिवन, मैक्सिमम अप टू लिमिट गिवन। एग्जांपल बहुत बढ़िया दिया हुआ है, एबीसी लायबल है, यहाँ पे अमाउंट बोल दिया है 1 लाख, 2 लाख एंड 4 लाख, 3 लाख के लिए लायबिलिटी थी, तो इक्वली 1 लाख ईच, 1 लाख ईच। एबीसी ने 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख की लायबिलिटी ली थी, मैक्सिमम अमाउंट लायबिलिटी अदाइज हो गई टोटल 3 लाख, इक्वल करोगे तो 111, किसी का भी मैक्सिमम लिमिट से एक्सीड नहीं हो रहा है, हर एक बंदा एबीसी 111 लाख के लिए लायबल है, यहाँ 3 की जगह पे 4 लाख का पेमेंट है, तो ए मैक्सिमम 1 लाख पे करेगा, बाकी का 3 लाख बचा, बीसी 150 150, ए पे करेगा 1 लाख, बीसी 150 150, ए का मैक्सिमम लायबिलिटीज है 1 लाख एंड बीसी का 2 एंड 4 है, तो उसके अंदर ही है, 4 लाख इक्वल करोगे तो 133 133 हो जाएगा, ए तो 1 लाख से ज्यादा पे ही नहीं करेगा, ए 1 लाख पे करेगा, बाकी का 3 लाख बचेगा, तो बी 150 एंड सी भी 150 का पेमेंट करेगा, यहाँ लायबिलिटी 7 लाख की है, ए का लायबिलिटी 1 लाख है, बी का 2 लाख है एंड सी का 4 लाख है, तीनों का टोटल कर दोगे तो 7 लाख हो जाएगा, तो ए 1 लाख के लिए, बी 2 लाख के लिए एंड सी 4 लाख के लिए लायबल रहेगा। फ्रेंड अभी हमने राइट्स ऑफ सीओईडी देखा अगेंस्ट द प्रिंसिपल लेटर्स, अगेंस्ट द प्रिंसिपल लेटर सबोगेशन एंड आइडेंटिफाई द लॉस, अगेंस्ट द क्रेडिटर्स सिक्योरिटी सेट ऑफ एंड डिडक्शन, अगेंस्ट द कोसीओईडी इक्वल, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट में बोला है तो रेशियो गिवन इन कॉन्ट्रैक्ट, मैक्सिमम लिमिट दिया है इक्वल बट विद इन द गिवन लिमिट, ये आपको याद रखना है, बने रहे मेरे साथ, हर एक टॉपिक के आपको डिटेल वीडियो मिलते रहेंगे, बुक सामने रख के पढ़िए तो ही समझ में आएगा, अंडरलाइन करते जाइए तो ही समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।